पूरा बेयर ग्रिल्स मैन वर्सेस वाइल्ड का बन रखा हूँ मैं। मम्मी का मन रख लेते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ऑन अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो अभी जा रहा हूँ ट्रैकिंग पे, आपको रास्ते में बताता हूँ कैसी कैसी जगह जा रहे हैं। और ये वो सेम डे है जिस दिन मैंने 9 miles कंप्लीट किया है घर पे। तो देखो कैसा है, कांटों से तो निकल गए, अब बात करते हैं। हम जा रहे हैं जंगली आम खाने, और ख़ासकर भालू आम के पेड़ों के नीचे सो जाते हैं। तो अगर आप आम लेने जा रहे हो और जंगलती से भाग दिख गया भालू, तो आप यू टर्न लेना ही में ही भला है। ओके, अगर आपके अंदर फाइटिंग स्किल्स चाहे कितनी हो, यू टर्न ले लेना पहले ही, यहाँ कोई काम नहीं आने वाली। ये चट्टान इतनी गोल है, ये सामने वाली, ये वाली, ये हेलीकॉप्टर भी लैंड कर गया यहाँ पे। अच्छा लग रहा है ना व्यू, पर जाके लेते हैं टाइम लैप्स। अभी तो आम तक पहुँचे ही नहीं है यार। अभी आ रही थी झाड़ियों की आवाज़, तो रुक गए, लगा कि भालू है, पर मोस्ट प्रोबेबली सुअर है एक, ये क्या दो। पर ये भी आजकल पीछे भागते हैं, जो पैंथर ने सारे बच्चे खा लिए इनके। पूरा बेयर ग्रिल्स मैन वर्सेस वाइल्ड का बन रखा हूँ मैं, चट्टानों पे चढ़ रखा है ऐसे। जाएंगे ऐसे झाड़ियों से, सीधा रास्ता है पर झाड़ियों में। रास्ता क्लियर हो गया क्या, कहीं माथे हुए ना पड़े रहे। इतने सारे आम आ गए, अभी तो इतने हैं, तो बहुत सारे गिरे। आया ये आए पका हुआ एक, बस ये देखो क्या हरी भरी वादियाँ हो गई है यहाँ तक। क्लियर हो रहा है यहाँ सामने सनसेट। अब आम की हो गई पारी, अब खाएंगे करमदे। अब सीधा सीधा रास्ता, अब बिना झाड़ियाँ वाला रास्ता होगा। अब सारे जगह तो जगह जगह छिल गया है, मैं जगह जगह छिल गया है, इतने मोटे मोटे कट आ रहे हैं। आज भी लग रहा है लाइट का कुछ प्रॉब्लम है, लाइट सिर्फ यहाँ की गई है, बाहर जाके पता चलेगा, अभी तक आई नहीं। व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग। और अब अगला दिन वो रनिंग के वजह से सीढ़ियाँ उतर नहीं पा रहा मैं, अभी दिन भी थोड़ी थोड़ी अकड़ी हुई है। बस ठीक हो जाएगा अगर थोड़ा सा करेंगे एक्सरसाइज, अपने तो वापस लाइन पे आ जाएंगे। और अगर आपने कल का व्लॉग नहीं देखा, वो फिट व्लॉग नाम दे रखा है मैंने उसको, तो ज़रूर देखना। अभी इसको देख के फिर उसको देखना। ओके, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, एंड टेल योर फैमिली मेम्बर्स टू सब्सक्राइब इट टू एंड वॉच माई वीडियोस। मशरूम देखो कितना बड़ा है, मैं तो कभी देखा ही नहीं इतना बड़ा। बाल कटवाऊँ कि नहीं कटवाऊँ, क्योंकि बार बार आ रखा है अभी, और मम्मी का मन रख लेते हैं। Oh, oh, oh.
अब सब दाढ़ी वाड़ी बना बनू के जब मिलता हूँ ट्रांसफॉर्म करते हैं उपाय आगे। नारियल पानी और आम क्या क्या बनाया तूने? आम है नारियल। मजा नहीं लाई। जय ब्रह्म बोले। मंदिर गए अंदर शिव जी के दर्शन डन। अब करेंगे ब्रेकफास्ट। आज 22 तारीख है और माउंट में होटलें चालू हो गई। भीड़ आना लाजमी है पर जो सोचा था उतनी भीड़ आई नहीं लगती है मेरे को। आज बनी है दाल बाटी। दाल बाटी खाएंगे क्योंकि आज से होटल शुरू हो रही है तो दाल बाटी खाएंगे और चूरमा भी खाएंगे और मज़े करेंगे। अभी बज रहे हैं 3:20। जाएंगे सोने के लिए। मिलते हैं 1.5 घंटे के बाद। अभी 5 बजे उठ गए और अब मैंगो शेक बनाएंगे। शेक है नाइस। तो अभी जा रहा हूँ पेट्रोल भराने। फिर जाऊँगा मंदिर। ये है आरना विलेज। तो अभी क्लियर है पॉल्यूशन कम करने की वजह से पूरा आरना विलेज। तो अभी पहुँच गए अचलगढ़। अचलगढ़ के एंट्रेंस में नंदी जी और ये सीध में शंकर भगवान के अंगूठे की पूजा होती है यहाँ पे। ये वाला रास्ता है ये जाता है गुरुशिविर। अभी पहुंच गए अपन वीर बाप जी के मंदिर। आप दर्शन करवाते हैं। पापा तो पीछे रह गए हैं अभी उनको चांद देखना है। स्प्लेंडर चलाने के बाद बुलेट चलाते तो कितने हाथ अजीब से लगते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करो फेवरेट पार्ट। ओके बाय। आम कैसे खाते हैं ऐसे लो यूं करने की ना। हाँ हल्का से।